नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों या तो फिर शारीरिक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा उसी स्थिति में मिल सकती है जबकि उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत एक परीक्षा से गुजरना होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा किस प्रकार की होगी, परीक्षा का स्तर क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, पाठ्यक्रम यानी कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है, किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, कब होगी परीक्षा, उस समय जब पैटर्न यानी कि जो प्रारूप जारी किया गया था उसमें साल भर के अंदर यानी एक साल के अंदर परीक्षा की बात कही गई थी, लेकिन इसमें कुछ सारे बदलाव हुए हैं। एजेंसी के माध्यम से परीक्षा लेने की बात कही गई थी, उसमें भी कुछ बदलाव होने की संभावनाएँ ज़्यादा प्रतीत हो रही है। उसके बाद इसमें हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा का उद्देश्य क्या है, उसके बाद परीक्षा क्वालिफाइंग होगा या तो पास मार्क्स से ही काम चल जाएगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, कितने समय की यानी कि यह जो परीक्षा होगी सक्षमता परीक्षा तो उसमें अवधि कितनी होगी परीक्षा की, परीक्षा में बैठने का मौका कितना मिलेगा यह भी हम लोग समझेंगे, यह महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद कैबिनेट की मुहर इत्यादि बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके उन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे जो कि बोर्ड पे स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं परीक्षा। तो पहला में है परीक्षा। तो परीक्षा कहने का अर्थ हुआ कि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था यानी कि जब वह नोटिफिकेशन जारी की गई थी 11/10/2023 की तिथि में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के लिए, तो उसमें कहा जा रहा था कि किसी एजेंसी के माध्यम से, उसमें अंकित की गई थी बातें कि यह परीक्षा किसी एजेंसी के माध्यम से ली जाएगी। तो एजेंसी में कोई भी हो सकता था, बीपीएससी या तो फिर एसएससी या तो फिर कोई अन्य संस्था हो, उसके माध्यम से वह परीक्षा ली जाने की बात कही गई थी। तो उस आधार पे उसका पैटर्न, उसका जो स्तर क्वेश्चनों का होता था, प्रश्नों का, तो उसमें थोड़ा सा हाई पैटर्न, हाई स्तर हो जाता था। इसमें सभी लोग ज़्यादा परेशान अनुभव कर रहे थे कि परीक्षा एजेंसी ना लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वयं ले। तो यह अब जा करके कन्फर्मेशन मिल रही है इस बातों की कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही ली जाएगी। उसके बाद परीक्षा का स्तर। तो परीक्षा का स्तर में हम लोग इस बात को समझ ही लें कि परीक्षा का जो लेवल होगा, एग्जामिनेशन लेवल, वह कोई हाई फाई लेवल नहीं होगा। एक से आठ तक का जो क्लास है इसमें जो बुक चलती है इसी के आधार पे उन परीक्षा का स्तर होगा यानी प्रश्नों का स्तर पूछा जाएगा, और अधिक से अधिक टेंथ क्लास तक का। लेकिन टेंथ क्लास में यदि देखें तो प्रश्नों की जो क्वालिटी होती है, प्रश्नों का जो स्तर होता है वह बहुत हाई हो जाता है, तो उतना हाई फाई इसका स्तर नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद अवधि में हम लोग इस बात को समझ लें कि जब वह नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के लिए जारी की गई थी तो उसमें अवधि बताई गई थी कि जब नोटिफिकेशन पर अंतिम मुहर लगेगी तो वहां से एक साल के अंदर यह परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। जल्द से जल्द इन नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों या तो फिर शारीरिक शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाए। तो यह अवधि अब बदल करके एक महीने के अंदर बताई जा रही है जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिल रही है। जब तक कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो फाइनल नोटिफिकेशन है या जो नियमावली है वह ना आ जाती है बन करके, तब तक हम लोग इसी बात को समझ करके चलते हैं कि जो समाचार पत्र से हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसी को ही लेकर चले, लेकिन उसमें कुछ अन्य प्रकार के अपने आधार पर उसमें सुधार करके बताया जाता है। तो अवधि में एक माह के अंदर, इसके बाद हम लोग समझें आगे कि नियुक्ति पत्र और कैबिनेट की मुहर। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि बिहार में बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है। आगामी दो तारीख को यानी कि 2 नवम्बर को कुछ अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र मिलेगा पटना में, गांधी मैदान में। उसके बाद 3 तारीख को कैबिनेट की बैठक होनी है और उस कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा फाइनली उसमें मोहर लगने की बात कही जा रही है। इसके बाद अगला है कि परीक्षा का उद्देश्य। तो परीक्षा का पर्पस यह स्पष्ट है
बिहार में जो नियोजित शिक्षक है, पुस्तकालय अध्यक्ष या शारीरिक शिक्षक है, उन्हें बीपीएससी से द्वारा यानी कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है विद्यालय अध्यापक की, उसके समान लाने का प्रयास किया गया है। यानी कि जितनी फैसिलिटी जितनी सुविधाएं उन बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत जिन अध्यापकों की नियुक्ति होगी उतनी फैसिलिटीज उतनी सुविधाएं सारी सुविधाएं इन नियोजित शिक्षक या तो फिर पुस्तकालय अध्यक्ष या शारीरिक शिक्षक जब राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो उसे भी प्राप्त करना है। यानी कि दोनों का सारी सुविधाएं जितनी भी हैं वह समान होने वाली है, तो उद्देश्य यही है। अब पंचायती राज संस्थान या तो नगर निकाय के द्वारा अब किसी भी शिक्षकों की नियुक्ति या तो किसी भी शिक्षकों का नियोजन नहीं होने वाला है, तो उद्देश्य इसका स्पष्ट है। अब पाठ्यक्रम पे बात कर ले, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम में यानी कि इसका जो सिलेबस होगा यह समान रूप से हम लोग यहाँ पे सिलेबस की चर्चा उसी प्रकार करेंगे कि जिस प्रकार से दक्षता परीक्षा हुई थी। तो दक्षता परीक्षा में कोई उतना कलिष्ट प्रश्न कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो मुख्य रूप से इसमें यदि सामान्य विषय के रूप में जनरल सब्जेक्ट के रूप में कहें तो मैथ रहेगा, उसके बाद इसके साथ रीजनिंग भी रहेगा यानी मैथ और रीजनिंग। तो मैथ में जो प्रश्न होगा वह सामान्य गणित से यानी कि सामान्य जो अंक गणित होता है उसी से रहेगा, लाभ हानि प्रतिशतता या तो फिर दशमलव या तो भिन्न, उसके साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज क्षेत्रमिति, जो कि बहुत सीधे प्रश्न वन लाइन प्रश्न, अधिक से अधिक उन प्रश्नों को आप बना सकते हैं सिर्फ सूत्र की सहायता से, वैसे प्रश्न रहेगा, उसको ज़्यादा घुमाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। रीजनिंग भी कुछ संभावनाएं हैं, मानसिक परीक्षा मानसिक क्षमता की जो टेस्ट होती है या रीजनिंग की सहायता से, तो यह भी हो सकता है। उसके बाद मैथ रीजनिंग के बाद हिंदी से कुछ प्रश्न रहेंगे, और हिंदी से ध्यान रखिएगा व्याकरण से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी रहेगा और इंग्लिश से भी उसी तरह से इसका ग्रामर पैटर्न रहेगा। फिर साइंस में आपका फिजिक्स हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद बायोलॉजी में होगा, इनसे प्रश्न रहेगा। और इससे भी उसी प्रकार से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिक डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और सोशल साइंस में उसी प्रकार से फिर आ जाता है, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स इत्यादि से इसमें प्रश्न होगा। और उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग चर्चा कर ले कि प्रश्न का जो स्तर होगा, जो कॉमन होता है, सामान्य रूप से जो रहता है, वही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग और भी कुछ कर ले बातें, ईवीएस यानी कि पर्यावरण से, इससे भी पूछा जा सकता है पर्यावरण अध्ययन से। और इसमें जो स्पेशल सब्जेक्ट के रूप में कहें तो यह शिक्षण कौशल, इससे प्रश्न रहेगा। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार से संबंधित, यह भी प्रश्न रह सकता है। तो इन सिलेबस की चर्चा हम लोग इस आधार पर कर रहे हैं। आपने पीछे जो जिन शिक्षकों की दक्षता परीक्षा हुई थी, यदि उस प्रश्नों का अध्ययन किए होंगे, उसको यदि आप देखे होंगे, तो सेम उसी तरह से उसका जो पैटर्न था बहुत सिंपल प्रश्न था। ऐसा नहीं पूछेगा कि जो बीपीएससी के माध्यम से, यदि एजेंसी परीक्षा लेती इसको, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं लेती परीक्षा, एजेंसी के माध्यम से परीक्षा होती तो एजेंसी निश्चित रूप से कठिन, जैसा कि आपने देखा बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ली गई, प्रश्नों का जो स्तर था वह काफ़ी टफ था। यानी ऑप्शन में 5-5 तक ऑप्शन बनाया गया था, और 5 वाले ऑप्शन में ज़्यादा कठिनाइयां होती है, या पहले बार प्रयोग किया गया था शिक्षकों की बहाली में, तो वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो दक्षता परीक्षा हुई थी पिछले बार, उसी आधार पर यह सिलेबस का पैटर्न होगा। आसान सा सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है उससे आसान सा प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो पाठ्यक्रम को हम लोग देखें, इसके बाद अगला है परीक्षा में बैठने का मौका। आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का जो ड्राफ्ट यानी कि जो प्रारूप आया था, उसमें
स्पष्ट रूप से इस बात की चर्चा की गई थी, पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि परीक्षा में उन नियोजित शिक्षकों को मात्र 3 बार ही बैठने का मौका मिलेगा और 3 बार के बाद भी आप वो सफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको सेवा से मुक्त किया जाएगा। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है, हम लोग दक्षता परीक्षा से कंपेरिजन करके चलें तो वहाँ भी इसी प्रकार की प्रक्रियाएं लिखी गई थी, यानी इसी प्रकार का प्रोसेस था कि आप 3 बार में यदि दक्ष नहीं होते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। लेकिन अनेकों बार मौका दिया जा रहा है, अभी भी बहुत कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी दक्ष नहीं हुए हैं, यानी कि दक्षता परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाए, पास नहीं हो पाए हैं, तो अभी भी उनके लिए मौका दिया जा रहा है। इधर हाल फिलहाल लगभग 3000 वैसे नियोजित शिक्षकों की चर्चा की गई है, जिसका इधर फॉर्म भी होने वाला है, परीक्षा की भी तिथि निर्धारित की है। पेपर आप पढ़े होंगे तो स्पष्ट हो गए होंगे, तो इसमें भी परीक्षा में बैठने का मौका वैसा निर्धारित तो किया गया है कि 3 बार ही होगा, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। लेकिन प्रयास होना चाहिए कि 3 बार में सभी को, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत सक्षमता परीक्षा होगी उसमें क्वालिफाई करके राजकर्मी का दर्जा जरूर प्राप्त कर ले, ऐसा ना हो कि आप डिसक्वालीफाई हों। तो दक्षता परीक्षा ऐसा, इसकी चर्चा अनेकों बार कर चुके हैं कि जिस प्रकार से दक्षता परीक्षा हुई थी सेम उसी तरह से यह सक्षमता परीक्षा होगी। कोई वैसा प्रश्नों का समूह, प्रश्नों का जो संग्रह होगा वह क्लिष्ट नहीं होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, एक समान प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन परीक्षा में अगला पॉइंट में हम लोग देख लें कि परीक्षा क्वालिफाइंग या मेरिट बनेगा। तो परीक्षा में स्पष्ट है शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि किसी भी नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त ना किया जाए, उसे सिर्फ एक जो स्तर होता है, एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजार करके उसे राजकर्मी बनाया जाए। तो परीक्षा क्वालिफाइंग ही होगा, इसका कोई मेरिट नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आप क्वालिफाई कर गए तो दक्ष हो गए। क्योंकि मेरिट कहाँ पे बनाया जाता है, मेरिट उसी जगह प्राप्त होता है, बनाया जाता है जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और कैंडिडेट की जो संख्या अधिक हुई लेकिन सीट की संख्या कम हो, तो उस स्थिति में जो अधिक नंबर ला करके पास किए हैं तो उस आधार पर मेरिट बनाया जाता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो 400,000 नियोजित शिक्षक हैं तो उससे सभी को पास करना है, तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स की आवश्यकता है इस परीक्षा को पास करने के लिए, सक्षमता परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद अगला है कि प्रश्नों की संख्या, जिस प्रकार से दक्षता परीक्षा में आप देखे होंगे उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 थी, उसी प्रकार से यहाँ भी संभावनाएँ बन रही है कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और अवधि यानी उन प्रश्नों को जवाब देने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद परीक्षा का पैटर्न, तो परीक्षा का पैटर्न उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और उन प्रश्नों में जो निगेटिव मार्किंग होती है वह नहीं रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि जो नकारात्मक मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग आप समझ रहे हैं, बहुत सारे परीक्षा में 0.25 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था रहती है, तो उस प्रकार की यानी कि 4 प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो 1 आपका सही प्रश्न का उत्तर कट जाता है, वैसी व्यवस्था इसमें नहीं रहेगी। यानी कि प्रश्न पूछे जाएंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं रखी जाएगी। तो इसका जो जितने भी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए, जिन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए, वह एक संभावित जो कि दक्षता परीक्षा के आधार पर यहाँ पे की गई है, जब इसका फाइनली नोटिफिकेशन आ जाएगा पुनः हम लोग उसमें क्या सिलेबस है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसके बाद अवधि कितनी है, किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है, इत्यादि बिंदुओं पे फिर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।